तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, हमने जो एम्पियर सर्किटल लॉ किया, हमने इसलिए किया कि ऐसी करंट कैरिंग फिगर्स की वजह से हम बी निकाल सकें जहां पर नॉर्मली बायट सावर्ट लॉ काम नहीं कर पाता या बहुत मुश्किल से काम करता है। तो इसकी पहली एप्लीकेशन है कि सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग कुछ इस तरीके की कॉइल है, ऐसे ये करंट कैरिंग ऐसे कॉइल है, ये लो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसमें इसके एक्सिस के ऊपर क्या निकालना है, बी निकालना है, क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इस टाइप की फिगर को फिजिक्स में क्या बोला जाता है, सोलेनोइड। सोलेनोइड, तो एक सोलेनोइड के एक्सिस के ऊपर आपको बी निकालना है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टोरॉइड। सपोज अगली एप्लीकेशन है कि सोलेनोइड को आप इस तरीके से गोल कर दें, ऐसे करंट गया, घूम के करंट नीचे आ गया ऐसे, और क्वेश्चन है कि इसके एक्सिस पे कहीं यहां पे, ये रहा इसका एक्सिस, यहां पे आपको क्या निकालना है, बी निकालना है, क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? तो आपने इसमें सोलेनोइड का बी निकालना है एक्सिस पे। इस फिगर को क्या बोलते हैं, टोरॉइड या टोरॉइडल सोलेनोइड, एक ही बात है, गोल सोलेनोइड। ये सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें एम्पियर सर्किटल और दो लाइन में आंसर निकाल देगी। नेक्स्ट है, थर्ड एप्लीकेशन है कि एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर के आर डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। आपको ये तो हमें आता है, आज हम तैयारी करके आए हैं, इनफाइनाइट वायर का बी कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। हमने बहुत लंबे तरीके से किया क्योंकि हमने बायट सावर्ट लॉ लगाया, 5 1 5 2, फिर पहले फाइनाइट वायर का निकाला, बी इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, फिर इनफाइनाइट के लिए 5 1 5 2 को क्या पुट किया, 90, तो आंसर आया, लंबा था। एम्पियर सर्किट लॉ भी ये सेम काम करेगा, सिर्फ तीन लाइन में, तीन लाइन के अंदर ये सारा काम खत्म कर देगा, डन। तो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये आएगा पेपर में इनफाइनाइट वायर, पर हम एम्पियर सर्किट लॉ से करेंगे, बायट सावर्ट लॉ से पेपर में करेंगे नहीं। तीन, चौथा, सपोज आपके पास एक थिक वायर है, मोटी मोटी वायर है, मोटा कंडक्टर है ये रहा, और इसके अंदर क्या है, करंट है आई, इसका रेडियस ए है, और आपको इस कंडक्टर के अंदर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर बी निकालना है, इस कंडक्टर के एक्सिस से सरफेस पे बी निकालना है, और फिर इस एक्सिस से बाहर बी निकालना है। तो एक मोटा कंडक्टर है, उसके कंडक्टर के अंदर करंट है, उसके अंदर भी क्या होगा, उसके सरफेस के ऊपर भी क्या होगा, और बाहर क्या भी होगा, तीन चीजें निकालनी है, ठीक है। जैसे एक शेल के अंदर ई क्या होगा, सरफेस के ऊपर ई क्या होगा, और बाहर ई क्या होगा, सेम है। और लास्ट, सपोज आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, ये रही, इसमें करंट कैरिंग शीट है, करंट ही करंट है, बाहर आ रहा है कुछ ऐसे, तो आपको इसके आर डिस्टेंस ऊपर क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी ऐसे, ठीक। तो ये पांच एप्लीकेशन आज हम क्लास में करेंगे, बस ये आज का काम है हमारा, ठीक है यहां तक?